दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई डिश, जी हाँ, जो कि ओरियो बिस्किट और चॉकलेट से बनाई गई है। क्योंकि ओरियो बिस्किट और चॉकलेट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ओरियो बिस्किट से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमने ये ओरियो बिस्किट लिए हैं, 10-10 रुपए के ये 6 पैकेट हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, हमने सभी बिस्किट को इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसको एक जार के अंदर पीसेंगे। तो हमने ये बिस्किट को इसमें कर लिया है। अब हम इसको बंद करके मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए, हमारा बिस्किट एकदम मिक्सी के अंदर पिस चुका है। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। ये हमने एक चम्मच हर्शीज ली है, ये हमने इसमें मिला दी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। हमको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना है। इसमें जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, क्योंकि हमें इसका आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए हमें इसमें थोड़े थोड़े दूध की ही ज़रूरत है। अब हम इसका हाथ से इस तरीके से एक डो बनाएंगे। तो देखिए, हमारा ये जो पाउडर है वो एकदम आटे की तरह हो चुका है। ये थोड़ा सा हमने नरम लगाया है। तो देखिए, हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ये हमने एक ट्रे ली है, इस पर हमने फॉइल पेपर लगा दिया है। और ये जो ओरियो का हमने आटा लगाया है थोड़ा सा, इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए, बॉल्स बहुत ही सुंदर बनी है। और इन बॉल्स को हम लोग इस तरीके से रखते जाएंगे। तो देखिए, हमने सारी बॉल्स बना ली है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हमने ये दो कंपाउंड लिए हैं, वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड, इनको हमने मेल्ट कर लिया है। अब हमने जो ये बॉल्स बनाई थी, ये थोड़ी सी जम चुकी है फ्रीज़र में रखने के से। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ घुमा के हल्की सी शेप देंगे और इस बॉल को हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट में। और ये देखिए, ये बिल्कुल डिप हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से इस पर निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें सेकंड बॉल को भी करना है। चॉकलेट्स इस तरीके से हमने सारी इसको चॉकलेट में डिप करके रख ली है। और ये जो चॉकलेट है, ये मैंने ब्राउन चॉकलेट बनाई है। ये मैंने डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को मिक्स करके बनाई है। और आप चाहे तो बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे नहीं भी बनाएं। और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो ये जो वाइट चॉकलेट हमने ली है, ये इस तरीके से देखिए। तो अब मैं ये इसके ऊपर लगाऊंगी। हम इसी तरीके से व्हाइट चॉकलेट पे भी इसी तरीके से डिजाइन कर लेंगे। तो देखिए, हमारी चॉकलेट बहुत ही शानदार बनी है। ये बहुत ही टेस्टी है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसको अपने घर पर ट्राई करना ना भूलें और इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार हमें यूं ही बांटते रहें।